नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव मी। मैं हूँ शिवांगी, इंटुइटिव टैरो रीडर। आपके लिए लेकर आई हूँ यह जनरल रीडिंग। लिब्रा पीपल के लिए ये रीडिंग है। जिनकी भी सन साइन लिब्रा है उनके लिए रीडिंग है। ओके, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। जजमेंट हेल्थ के लिए आया है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स गवर्नमेंट जॉब। द लवर्स प्राइवेट जॉब। एस ऑफ कॉइन्स बिजनेस। एंड सेवन ऑफ कप्स शेयर मार्केट। बॉटम ऑफ द डेक द मैजिशियन। हम इसे क्लैरिफाई करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, सेवन ऑफ सॉर्ड्स का। थैंक यू यूनिवर्स। टेन ऑफ सॉर्ड्स। एट ऑफ कप्स एंड जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक द फूल। लिब्रा, यहाँ पर जजमेंट के साथ में आपका फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। यहाँ पर यही एनर्जी आ रही है कि आप ना कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, बट यहाँ पर आप थोड़े से स्टक हो चुके हो। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा लो एनर्जी आ रही है आपकी। आपके हेल्थ यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब है। आप किसी को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हो। आप किसी की बहुत ज़्यादा चिंता करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो और उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्थ यहाँ पर खराब है। और आप जो आगे निकलना है आपको, आप आगे नहीं निकल पा रहे हो। उस चीज़ में से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। शायद किसी ने आपको पास्ट में मैनिपुलेट किया है, किसी ने आपको चीट किया है। वो एनर्जी आप अभी भी लेकर यहाँ पर बैठे हो और उसके वजह से आप यहाँ से हेल्थ में रिकवर नहीं कर पा रहे हो। आपको हेल्थ ट्रीटमेंट लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हो और फ्रेश नहीं हो। आप बिल्कुल ही फ्रेश नहीं हो। आई डोंट नो लिब्रा किसके लिए रीडिंग है। जैसे खुद का घर होने के बाद में भी जैसे आप ना अकेले हो यहाँ पर। बट आप इसमें से निकलते हो ना, आप इसमें से निकलते हो तो यहाँ पर हम गाइडलाइन लेते हैं। यस, आप गाइडलाइन ही आ रही है। तो फूल का कार्ड आया है। यस, आपको ना यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखना है, भगवान के ऊपर फेथ रखना है, इष्ट देवता के ऊपर फेथ रखना है और जो भी पास की एनर्जी है ना आपको यहाँ पर रिलीज कर देना है, छोड़ देना है। लव योर सेल्फ लिब्रा, लव योर सेल्फ। ओके, तो यहाँ पर आप जो करते हो, आगे जाते हो तो यस, आपका डेफिनेटली ग्रोथ है, नया सूरज है, न्यू बिगिनिंग है। जजमेंट का कार्ड आया है, आपको जजमेंट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आपका आपका आगे बहुत अच्छा होगा। आज मीन्स पास में नहीं हुआ है बट आपका आगे बहुत अच्छा होने वाला है। आप ज़्यादा भी लो एनर्जी में मत रहिए कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्थ खराब हो। प्लीज टेक केयर योर सेल्फ लिब्रा। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्टी है आपको जॉब लगना। गवर्नमेंट अप्लाई किया है या जो भी लोग हैं यहाँ पर है ना, बहुत थोड़ा मीन्स डिफिकल्ट जाएगा आपको लिब्रा पीपल गवर्नमेंट के लिए। तो आपको और स्ट्रगल करना है। ज़्यादा स्ट्रगल करते हो, खुद के ऊपर ध्यान देते हो, जो आपके पास में उसका नॉलेज आप बढ़ाते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो। ये पॉजिटिव कार्ड है बट
फिर भी आपको ना यहाँ पर ना कि दूसरे की तरफ देखना है, खुद के तरफ देखना है। जो आपके पास में है उतना आपको रखना है। और जहाँ पर भी यहाँ पर ना आपका हार्ट चक्र और रूट चक्र ब्लॉक है लिब्रा पीपल, तो आपको इसके ऊपर वर्क करना है जिससे आपके हेल्थ रिकवर होगी। आई डोंट नो क्यों ऐसा कार्ड आ रहा है आपके। ओके, बी पॉजिटिव रहना है। यहाँ पर प्राइवेट जॉब के लिए यहाँ पर है ना आपको नया कुछ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको वो रिसीव करनी है। नई न्यू अपॉर्चुनिटी आपको ये आपकी ये यहाँ पर एक फिनिश हो गया है। आप जहाँ पर प्राइवेट जॉब में काम करते थे आपको वहाँ पर नहीं करना है, तो यस आप निकल सकते हो वहाँ से। और आपको जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको आप रिसीव कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम की, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। और आप ना और ज़्यादा सक्सेस होना चाहते हो आपके लाइफ में, प्राइवेट जॉब के लिए जॉब में जो भी है लोग, तो यस आप आगे बढ़ सकते हो। यस डेफिनेटली यहाँ पर पॉजिटिव है। थोड़ा सा स्ट्रगल है, थोड़ा सा तो रहेगा, तो आपको स्ट्रगल है क्योंकि आप पहले ऑलरेडी यहाँ पर लो एनर्जी में हो लिब्रा, तो इसलिए आपको थोड़ा स्ट्रगल जा रहा है। क्योंकि ये एनर्जी से आप निकलते हो तो यहाँ पर फ्रेश एनर्जी करते हो। आप अप्लाई कीजिए, आप आगे बढ़िए। यस आपका ये फिनिश होकर आपको नया नया है आपके हाथ में। ओके, उसको लीजिए। ठीक है। और जो बिजनेस में है, बिजनेस में एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है, उसके साथ में एट ऑफ कप्स का कार्ड है। यस आपके बिजनेस में आप सक्सेस तो कंटिन्यू हो रहे हो, बट अभी थोड़ा सा आपका ऐसा पीरियड चल रहा है जहां पर आपको लॉस होते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पर गाइडलाइन ये आ रही, ये लॉस है, ये जो भी है, ये टाइम पीरियड जो भी चल रहा है ये कुछ दिनों के लिए ही है। ये टाइम निकल जाएगा और आप फिर से आपके फिर से वही रिटर्न एनर्जी में आ जाओगे। आपका बिजनेस वही रिटर्न न्यू से स्टार्ट होगा, अच्छे से स्टार्ट होगा और आप सक्सेस रहोगे आपके बिजनेस में। ये टाइम पीरियड थोड़े ही दिन का है। थोड़ा सा बिजनेस की तरफ आपके ध्यान दीजिए, ना कि उससे बाहर निकलिए। आप ना थोड़ा सा आपका शायद यहाँ पर पहले कहा हेल्थ में आप थोड़े से डिप्रेशन में हो, तो इसलिए ये वो इम्पैक्ट यहाँ पर बिजनेस में भी गिर सकता है। और आप खुद का हेल्थ कीजिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए बिजनेस की तरफ। आपका बिजनेस बहुत अच्छा कंटिन्यू आगे जाएगा। शेयर मार्केट के लिए आप ना बहुत सारे ऑप्शन चूज कर रहे हो, ये करना है वो करना है। आप थोड़ा कंफ्यूज हो यहाँ पर शेयर मार्केट में लिब्रा पीपल पर। जहां पर भी जो भी सिलेक्ट करोगे आप प्रॉपर सिलेक्ट करना है और वहां पर आपको जस्टिस मिलेगा, यानी आपको वहां पर सक्सेस मिलेगा शेयर मार्केट में। यहाँ पर एनर्जी ये आ रही है क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हो शेयर मार्केट में, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपको एक परफेक्ट देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है। करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो रुक जाइए। बट घाई नहीं करनी है कोई चीज़ की, ऐसा हड़बड़ाहट नहीं करनी है कि हाँ मैं ये करूँ वो करूँ शेयर मार्केट में, तो ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ स्टेबिलिटी लेना है और आगे बढ़ना है। ओके, यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी आपकी बहुत सुंदर आई है। यहाँ पर आपकी न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, न्यू समथिंग न्यू, सब कुछ न्यू यहाँ पर होने वाला है। आपके लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी दिख रहा है कि यस आपको आपके तरफ जो है आपको न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। प्राइवेट जॉब में भी ऐसे ही आया है कि यस आपको ये जॉब छोड़कर आपको आगे अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ओके, आप सक्सेस हो सकते हो, आगे निकलोगे तो। और बिजनेस में भी यही आ रहा है कि कुछ टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है आपका कि वो टाइम पीरियड जैसे ही खत्म होता है तो आपका बिजनेस फिर से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर ये टाइम पीरियड ऐसे दिखा रहा है कि एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग आपके हर चीज में होने वाली है। तो उसके ऊपर विश्वास रखो, न्यू जर्नी, न्यू समथिंग, उसके लिए आप आगे बढ़ो, ना कि लो एनर्जी में रखो। पास्ट होगा तो उसको भूल जाइए। जो भी पर्सन को आप मिस कर रहे होगे, जो पर्सन ने आपको तकलीफ दी है, प्लीज उनको आप निकाल दो। ओके, जो नहीं है मैनिपुलेट किया, जो आपको तकलीफ दे रहे, इतने तकलीफ दे रहे हैं तो उनको क्यों रखना है ना।
इतना भी मत लो एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ का बहुत ज्यादा इशू लग रहा है और वो कंटिन्यू आप साथ में लेकर घूम रहे हो और ये हो रहा है। तो यहाँ पर आपका मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हो, यहाँ पर आपके आप कि यहाँ पर न्यू क्रिएटिविटी है, आपके पास में बहुत अच्छी एबिलिटी है, आप एक वैल्यूएबल पर्सन हो, आपके पास में एक लीडरशिप की भी यहाँ पर एनर्जी आ रही है। आप जो चाहते हो वो आपको मिलता है, वो रियलिटी में ला सकते हो, ये भी आप में एक हुनर है। तो आपको पहले उसके तरफ देखना है, यानी खुद के तरफ आपको देखना है कि आपके पास में क्या हुनर है, क्या नहीं है, आपको क्या करना चाहिए। आप बहुत थोड़ा सा बोल्ड होना है आपको, ये एनर्जी आप निकाल दो। ओके, आप ऐसे पर्सन नहीं हो लिब्रा, आप बहुत एक्टिव पर्सन हो, अच्छे पर्सन हो। ओके, आप अच्छा कर सकते हो आपके लाइफ में और अच्छा बेहतर बना सकते हो, तो ये एनर्जी से निकलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।